Hi and good morning children, how are you all? I hope you are very well at your homes. Stay homes and be healthy. Abhi kite festival nahi hai students. Usse pehle aapko study pe focus karna hai. Okay, jab kite festival aaye tab usse celebrate karna hai. Now see the chapter number 12 in your workbook, changing tanks. ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स एमसीक्यूज फिलअप्स और ये बाकी का आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए. मैं यहाँ से पिक सेंड करूँगी, आपको भी पता होना चाहिए कि आपने चैप्टर्स में क्या क्या समझा. ठीक है, आप खुद से सॉल्व करो तो आपको माइंड्स में जल्दी आएगा. नाउ सी द सम क्वेश्चंस आंसर. नाउ सी द थर्ड वन, पेज नंबर 89. पेज नंबर 89 पे स्टूडेंट्स देखोगे क्वेश्चन नंबर थर्ड. राइट अबाउट दियर वर्क डन बाय द क्राफ्ट्समैन गिवन बिलो. ठीक है, इस चैप्टर्स के अंदर कुछ क्राफ्ट्समैन भी थे. उस क्राफ्ट्समैन यानी किससे रिलेटेड थे वो क्राफ्ट्समैन, हमारे चैप्टर्स के अंदर कुछ मेंशंस के वर्क हो रहे थे. ठीक है, कोई प्लम्बर्स का वर्क हो रहा था यहाँ पे. ठीक है, तो ये चैप्टर उससे भी रिलेटेड है क्राफ्ट्समैन से. हमारे क्राफ्ट्समैन कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल कारपेंटर्स. ठीक है, कारपेंटर्स जो हमारे घर में विंडो, डोर, चेयर, टेबल्स यानी फर्नीचर की चीज़ें जो बनाता है उसे हम कारपेंटर बोलते हैं. पॉटर्स, ये आप थर्ड स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो. पॉटर्स कौन होता है? जो पोट बनाता है स्टूडेंट्स, मटके वगैरह बनाता है और पोट बनाता है, फ्लावर पोट्स वो. फिर थर्ड मैसन्स, मैसन क्या करता है? इस तरीके से हाउस बनाता है. ठीक है, प्लास्टर्स वगैरह बिल्डिंग्स के अंदर ब्रिक स्टोन्स मार्बल टाइल्स का यूज़ करके मैशंस का वर्क किया जाता है. फिर ब्लैक स्मिथ होता है, इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, प्लम्बर्स होते हैं. ठीक है, ये सारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स? क्राफ्ट्समैन होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं. सी द फर्स्ट वन, कारपेंटर क्या करेगा? ही मेक्स अ वेरियस थिंग्स आउट ऑफ वुड्स. वो बहुत सारी चीज़ें लाएगा, उस चीज़ों में से वुड यानी वुड की बहुत सारी चीज़ें लाएगा और उसमें अलग अलग टाइप्स की थिंग्स बनाएगा वुड से. तो वुड मीन्स लकड़ियाँ होती है स्टूडेंट. वुड से क्या क्या बनाएगा? विंडो, डोर, चेयर और टेबल्स, उसे हम कारपेंटर कहते हैं. पोटर, ही मेक्स अ वेरियस थिंग्स आउट ऑफ क्ले, यानी वो क्ले से, मड से. ठीक है, जो मिट्टियाँ होती है ना, चिकनी मिट्टी होती है. ठीक है, वो मिट्टी से क्या बनाएगा? अलग अलग चीज़ें बनाएगा, डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें बनाएगा. और वो क्या क्या यूज़ करेगा? ब्रिक्स, रूफ, टाइल्स, स्मॉल एंड लार्ज पोर्ट्स बनाएगा. ठीक है, बड़े बड़े पोर्ट्स बनाएगा. फिर थर्ड, मैसन्स का क्या वर्क होता है? मैसन क्या करता है? ही लेस एंड प्लास्टर वॉल्स, यानी दीवारों के अंदर ले और प्लास्टर्स बिल्डिंग्स के अंदर, बिल्डिंग के अंदर जो दीवारें होती है, वॉल्स होते हैं, उसमें प्लास्टर कौन करता है? मैशंस करता है. और किससे किससे करता है, क्या क्या यूज़ करता है प्लास्टर्स के अंदर? ब्रिक्स, स्टोन्स, मार्बल्स एंड टाइल्स. ठीक है, ये सब चीज़ों के टाइल्स वगैरह वॉल्स के ऊपर लगाएगा, बिल्डिंग्स पे प्लास्टर करेगा. ठीक है, तो ये सब काम मैशन करते हैं. ब्लैक स्मिथ क्या करता है? ब्लैक स्मिथ क्या करता है स्टूडेंट्स? ही मेक्स वेरियस थिंग लाइक विंडो, डोर, स्टेयर्स, आयरन नेट्स, यानी आयरन जो होता है ना, लोहा जो होता है, उसको पहले पिघलाता है, फिर उससे सारी चीज़ें बनाता है. ठीक है, आपके घरों के अंदर जो विंडो होती है उसके अंदर जो जालियाँ लगी होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो कैसी होती है? आयरन की लगी होती है. ठीक है, फिर जो हमारे घर में कभी किसी किसी के घर में देखोगे आयरन से बनी हुई जाली होती है, लोहे की जाली लगी होती है. ठीक है, फिर नेट्स का यूज़ करेगा, एक्सेस का यूज़ करेगा, यानी लोहे की जो भी आयरन्स की जो भी चीज़ें होती है वो ब्लैक स्मिथ बनाता है. फिर इलेक्ट्रिशियंस क्या करेगा? ही डज द इलेक्ट्रिक वायरिंग ऑफ द हाउस. हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिक जो वायरिंग होगा, ठीक है, वायरिंग को फिट करने का काम कौन करेगा? इलेक्ट्रिशियंस. ठीक है, और बल्ब फिट करेगा, ट्यूबलाइट फिट करेगा, वायर को फिट करेगा, ये सब काम कौन करता है? इलेक्ट्रिशियंस. प्लम्बर क्या करेगा? ही फिट्स अ पाइप, यानी हमारे घरों में जो भी पाइप्स और टैप्स वगैरह टूट जाते हैं या तो उसको रिपेयर करेगा, या तो हमारे घर के अंदर जब हाउस नया बनता है तो उसके अंदर पाइप्स और टैप्स को फिट करने का काम कौन करता है स्टूडेंट्स? प्लम्बर काम करता है. ठीक है, तो ही फिट्स अ पाइप्स एंड टैप्स इन द हाउस. नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 9090. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हैं स्टूडेंट्स, उसके नेम्स लिखना है. ये देखो, ये कौन है? पोटर है, जो इस तरीके से मटके और पोट बनाता है. ठीक है, उसे हम पोटर कहते हैं.
फिर ये क्या है, ब्लैक स्मिथ है, ये क्या कर रहा है, आयरन्स को इस तरीके से बरोबर करके फिर उससे आयरन से थिंग्स बनाता है, बहुत सारी चीज़ें बनाता है। ये क्या है, कारपेंटर है, कारपेंटर क्या कर रहा है, वुड्स को कट कर रहा है, फिर उससे बहुत डिफरेंट टाइप्स की थिंग्स बनाएगा। फिर ये क्या कर रहा है, मैसन है, वो क्या कर रहा है, इस तरीके से वॉल बनाएगा, ठीक है, वॉल बनाएगा, फिर बिल्डिंग्स बनाएगा इस तरीके से। तो सी का क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू सेंटेंस। फर्स्ट नंबर्स, वेयर इन धोलावीरा डिड नीलाभाई फैमिली लिव। यहाँ पे जो धोलावीरा और नीलाभाई की फैमिली थी इस चैप्टर्स के अंदर, वो कहाँ पे लिव करती थी, लिव मीन्स रहती थी, वेयर मीन्स कहाँ पे रहती थी। तो आंसर इज नीलाभाई फैमिली लिव्ड, डिड की जगह हमने यहाँ ई की बात हमने डी क्यों रखा, क्योंकि डिड हमारा पास्ट टेंस है, रहती थी, ठीक है, अभी रह नहीं रही है, रहती थी, इसलिए वो पास्ट हो गया, इसलिए हमने लिव में डी लगाया। नीलाभाई फैमिली लिव्ड ऑन एन ओपन प्लॉट, वो एक खुले प्लॉट्स में रहते थे, इन डॉम शेप हट, जो एक हर्ड हर्ड टाइप के शेप में था, ठीक है, डॉम शेप टाइप के हर्ड, झुपड़ी टाइप के झुपड़ी बना ली थी उन्होंने, ठीक है, और ओपन प्लॉट्स में झुपड़ी बना के नीलाभाई की फैमिली और ढोलावीरा की फैमिली वहाँ पे रहती थी। सेकेंड, व्हाट इज बेला, बेला क्या है स्टूडेंट्स, बेला किसे कहते हैं, व्हाट इज इट यूज, इसका यूज कहाँ क्या है। तो बेला इज अ टाइप ऑफ स्टोन, बेला एक ही टाइप स्टोन का टाइप है, स्टोन के जो पत्थर आते हैं ना स्टूडेंट्स, ठीक है, वो बेला स्टोन्स का ही एक पार्ट्स है। दैट इज अ फाउंड इन द माइंस ऑन द सी कोस्ट, यानी जो समुद्र होते हैं वहाँ पे कोस्ट वगैरह पड़ी होती है, बड़े बड़े स्टोन्स जैसे पड़े होते हैं, वहाँ से इसे फाइंड किया जाता है, ठीक है, वहाँ से उसे ढूंढा जाता है, उसे हम बेला कहते हैं। इट इज़ यूज इन द सेम वे एज ब्रिक्स आर, यानी आपने देखो कि छोटे छोटे पत्थर होते हैं वाइट कलर के और वैसे कलर्स वाले, ठीक है, तो वो पत्थरों से ही क्या बनाए जाते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स बनाए जाते हैं। तो वो स्टोन्स का यूज़ कहाँ पे हम करते हैं, ब्रिक्स वगैरह में बनाने के लिए, ठीक है। थर्ड इज विच टाइप्स ऑफ हाउस आर देयर इन योर विलेज, यानी आपके घरों के अंदर कौन, आपके विलेजों के अंदर, सॉरी, विच टाइप ऑफ हाउस आर देयर इन योर विलेज, यानी आपके विलेजों के अंदर किस टाइप्स के हाउस होते हैं। तो आपके गांव के अंदर आप गांव गए होंगे तो किस टाइप्स के हाउस आपको देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस, हमें अलग अलग टाइप्स के हाउस देखने को मिलते हैं, लाइक जैसे कि कच्चा हाउस, पक्का हाउस, हट, टेरेसेड हाउस, यानी हम गांव के अंदर जाते हैं तो किसी किसी के हाउस कच्चे होते हैं, यानी कच्चे वो प्लास्टर से बने नहीं होते, ठीक है, वो वुड बम्बू इस तरीके से बने होते हैं, तो कच्चा हाउस उससे बना होता है। किसी लोगों के पक्के हाउस होते हैं, हमारे जैसे जैसे सिटीज़ में बनते हैं सीमेंट स्टोन और ब्रिक्स का यूज़ करके, ठीक है। फिर किसी के हाउस होते हैं गांव के अंदर हट टाइप होते हैं, झुपड़ी जैसे बने होते हैं, ठीक है। फिर किसी के हाउस होते हैं टेरेस वाले हाउस होते हैं, ठीक है, यानी नीचे अलग कुछ होता है, ऊपर टेरेस होता है, ठीक है, इस तरीके से बने होते हैं। फोर नंबर, व्हाट इज़ पक्का हाउस, पक्का हाउस क्या है स्टूडेंट्स, किसे पक्का हाउस बोलते हैं। हम जैसे लोग जो सिटीज़ में रहते हैं उसे हम पक्का हाउस बोलते हैं, लेकिन आजकल इस जनरेशन में अभी भी हमारे विलेजों के अंदर बहुत काफ़ी डेवलपमेंट्स हो चुका है, ठीक है। तो वो डेवलपमेंट्स में भी हम देखते हैं विलेजों के अंदर भी बहुत से लोग पक्का हाउस बना के रहते हैं। अ हाउस हूज वॉल्स आर मेड ऑफ स्टोन, जिसके हाउस वॉल्स यानी जिसके हाउस के अंदर दीवारें स्टोन्स ब्रिक्स सैंड सीमेंट्स की बनी होती है, उससे हम कहते हैं स्टूडेंट्स पक्का हाउस, यानी जिस हाउस के अंदर उनकी दीवारें स्टोन से पत्थर से ब्रिक्स से कपची से सैंड से रेती से सीमेंट से बनी होती है, उसे हम पक्का हाउस कहते हैं। ओके, व्हाट इज कच्चा हाउस, कच्चा हाउस क्या है स्टूडेंट्स, किसे कच्चा हाउस कहते हैं। अ हाउस हूज वॉल्स आर मेड ऑफ, ठीक है, आपको ये यहाँ से लेकर ये वाली लाइन, यहाँ भी यहाँ से लेकर ये वाली लाइन बोथ में सेम है, खाली उसमें किस चीज़ों का यूज़ किया जाता है वो लिखना है, ठीक है, वो आपकी डेफिनेशंस होगी।
तो कच्चा हाउस में स्टोन ब्रिक सैंड और सीमेंट का यूज़ करते हैं, उसे हम पक्का हाउस बोलते हैं। और कच्चे हाउस में क्या होती है, उसकी जो दीवारें होती हैं वो मड से बनी होती है स्टूडेंट्स, यानी जो चिकनी मिट्टी होती है और काऊ का डंग होता है, गाय का जो गोबर होता है उसे काऊ डंग बोलते हैं, ठीक है। वो गोबर से बनी होती है कच्चे हाउस में वहाँ की दीवारें, ठीक है। तो जिनकी दीवारें मड यानी गीली मिट्टी से बनी होती है, काऊ डंग से बनी होती हैं, और उनके रूफ कैसे होते हैं यानी उनकी जो छत होती है वो किससे बनी होती है कच्चे हाउस में, बम्बू से बनी होती है, घास से बनी होती है यानी जो ग्रास होता है उसे हम घास बोलते हैं, उससे बनी होती है। फिर कोई कुछ लोग क्या करते हैं, उस बम्बू और ग्रास को सेट करने के लिए क्लोथ का भी यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्लोथ भी डालते हैं, ठीक है। फिर काऊ डंग का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, उससे हम कच्चा हाउस बनते हैं, कच्चा हाउस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कच्चा हाउस बनता है, और जिसे जिस चीज़ में इस वॉल जिस की दीवारें इस चीज़ से बनी होती हैं उसे हम कच्चे हाउस बोलते हैं। 6 विच मटीरियल हैव बीन यूज इन मेकिंग योर हाउस, आपके हाउस को बनाने के लिए आप कौन से मटीरियल्स का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे सिटीज़ के अंदर जो भी हाउस बनते हैं वहाँ पे किस किस चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है यानी जो कपची होती ईंट होती है, ब्रिक्स मीन्स ईंट होती है, ठीक है। तो ब्रिक्स में हम ईंटों का यूज़ करते हैं, सीमेंट का, ग्रिट का, सैंड का, आयरन का, टाइल्स का, ग्लास का, वुड का, ठीक है। तो हमारे जो हाउस होते हैं उसमें हम इस टाइप्स की थिंग्स का और इस टाइप्स के मटेरियल्स का यूज़ करके हम हमारे हाउस को बनाते हैं, ओके। सी द पेज नंबर 91 पेज नंबर पे, विच क्राफ्टमैन लिव इन योर विलेज, आपके विलेजों के अंदर कौन कौन से क्राफ्ट्समैन रहते हैं, यानी विलेज के अंदर जो भी काम करने वाले लोग होते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं, जो अपना वर्क डेली रूटीन में करते हैं, तो कौन कौन से लोग होते हैं क्राफ्ट्समैन में, क्राफ्ट्समैन लाइक कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ होता है, पोर्टर होता है, टेलर्स होता है, कॉबलर होता है, मैशंस होता है, स्वीपर होता है, प्लम्बर्स होता है, ठीक है। तो ये सारे लोग हमारे क्राफ्ट्समैन होते हैं और वो हमारे विलेजों में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूरा उम्मीद करा दी हूँ क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, स्कूल में होते तो मैं आपको प्रैक्टिस कराती बट इससे मैं ओमिट करा रही हूँ। मैं आपको सिर्फ 1 or 2 सेंटेंस की क्वेश्चन आंसर पूछूंगी, ठीक है। फिर पेज नंबर 93 पर आओ, इट इज़ योर HW1 एंड इट इज़ योर HW1। यहाँ पे आपको पिक्चर्स पेस्ट करने डिफरेंट टाइप्स के हाउस के, यानी कच्चा हाउस का पेस्ट करोगे, पक्का हाउस का पेस्ट करोगे, हट का करोगे, टेंट का भी हाउस होता है, ठीक है। तो हाउस जितने भी टाइप्स के होते हैं उसको आपको यहाँ पे इसके पिक्चर चिपकाने, इसमें आपको कलर फिल करना है, ओके। तो स्टूडेंट्स ये सेमेस्टर हमारा यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू चैप्टर्स के साथ, चैप्टर नंबर 13 के साथ। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी एंड वेल्दी। इससे आपको कॉपीराइट्स करना है आपकी वर्क बुक्स के अंदर।